सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो प्रदेश को वैदिक संस्कृति की धरोहर से एक बार फिर परिचित कराना चाहते हैं। और इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अब यूपी में भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को नई पहचान दिलाने की पहल की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत बोर्ड बनाए जाने का फैसला लिया है। ऐसा नहीं है कि यूपी में संस्कृत बोर्ड नहीं था, पर 16 साल बाद इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन बोर्ड के नाम से। इसके तहत 28 सदस्यों का चयन कर लिया गया है। संस्कृत बोर्ड बीजेपी की ही सरकार में सबसे पहले साल 2001 में बनाया गया था। फिलहाल संस्कृत बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वो संस्कृत की कक्षाएं चलाएं और परीक्षाएं भी लें। संस्कृत बोर्ड के तहत 6 से लेकर 12वीं तक की पूरी पढ़ाई संस्कृत में ही होगी। वहीं यूपी सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने देखा देखी संस्कृत अकादमी के पुनर्गठन का ऐलान कर दिया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।